और वहीं गुरुग्राम में बीजेपी की अहम बैठक, जहां प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बैठक बुलाई है। तीन लोकसभा के विधानसभा संयोजक इसमें शामिल होंगे। रोहतक, सोनीपत, सिरसा लोकसभा के विधानसभा संयोजक शामिल होंगे। लोकसभा सांसद नायब सैनी भी इसमें मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल भी बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां लोकसभा सांसद नायब सैनी भी शामिल होंगे। लोकसभा सांसद नायब सैनी इस बैठक में जहां शामिल होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ नरेश बंसल भी इस बैठक में शामिल होंगे। राज्यसभा सांसद हैं। गुरुग्राम में बीजेपी की यह अहम बैठक रहने वाली है, काफी खास से बैठक रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने यह बैठक बुलाई है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, रोहतक, सोनीपत के जो संयोजक हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने यह बैठक बुलाई है, काफी खास ये बैठक रहने वाली है। तीन लोकसभा के विधानसभा संयोजक इसमें शामिल होने वाले हैं। रोहतक, सोनीपत, सिरसा लोकसभा के विधानसभा संयोजकों के साथ ये बैठक काफी खास रहेगी। खबर पर अधिक जानकारी के साथ पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की अभी से ये तैयारी देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल, बीजेपी लगातार 2024 की तैयारियों में जुटी रहती है। बीजेपी की लगातार बैठक होती रहती है। बड़ी बैठक पिछले दिनों हिसार में हुई, बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से बैठक बुलाई गई थी। आज एक बैठक और गुरुग्राम में बुलाई गई, जो गुरुग्राम में आज बैठक बुलाई गई, 3 बजे पार्टी कार्यालय गुरुकमल में होगी ये बैठक। तीन लोकसभा क्षेत्रों के हिसाब से रोहतक, सोनीपत, सिरसा, इन तीन लोकसभा क्षेत्रों के जो बीजेपी के संयोजक है, प्रभारी, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इन तीन लोकसभा क्षेत्रों में जितने भी विधानसभा सीटें हैं, उन विधानसभा सीटों के संयोजक और प्रभारी मौजूद रहेंगे इस बैठक के लिए। खासतौर से उत्तराखंड से राज्यसभा सदस्य हैं नरेश बंसल, वो मौजूद रहेंगे। हरियाणा के बीजेपी सांसद नायब सैनी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। कहीं ना कहीं 2024 की तैयारियों में बीजेपी जिस तरीके से जुटी हुई है, उन तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी के लगातार 15 प्रमुख सम्मेलन हो रहे हैं, उनको लेकर किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है, आगामी संगठनों के कार्य किस तरीके रहेंगे, उन तमाम पहलुओं पर इस बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।